नमस्ते, मेरा नाम है वैभव गोस्वामी और आज हम सीखने जा रहे हैं कुका स्मार्ट पैड टीच पेंडेंट के फंक्शन। ये है कुका स्मार्ट पैड टीच पेंडेंट का फ्रंट व्यू। इसके अंदर आप देख सकते हैं, एक नंबर पे हमें एक बटन दिखाई दे रहा है जो कि व्हाइट कलर का है। तो ये बटन हम यूज कर सकते हैं टीच पेंडेंट को रोबोट से डिस्कनेक्ट करने के लिए। तो जब हम ये बटन प्रेस करेंगे तो 30 सेकंड के बाद ये टीच पेंडेंट रोबोट के कंट्रोलर से डिस्कनेक्ट होगा। उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि टीच पेंडेंट के ऊपर जो भी इमरजेंसी स्टॉप बटन है वो वर्क नहीं करेगा, इसलिए हमें अल्टरनेटिव इमरजेंसी स्टॉप बटन रोबोट के लिए प्रोवाइड करना होता है। सेकंड है की स्विच। की स्विच यूज की जाता है कनेक्शन मैनेजर को कॉल करने के लिए। इसके अंदर आप ऑपरेटिंग मोड चेंज कर सकते हैं, जैसे कि T1, T2, ऑटो और ऑटो एक्सटर्नल। थर्ड नंबर पे है इमरजेंसी स्टॉप बटन। कोई भी हैजर्डस सिचुएशन हो जहां पे ऑपरेटर को लगे कि एक्सीडेंट होने के चांसेस है, तब ऑपरेटर इमरजेंसी स्टॉप बटन यूज कर सकता है। फोर्थ नंबर पे स्पेस माउस। तो स्पेस माउस यूज किया जाता है रोबोट को मैन्युअली मूव करने के लिए। फिफ्थ नंबर पे है जॉक कीज। तो जॉक कीज भी हम यूज करते हैं रोबोट को मैन्युअली मूव करने के लिए। सिक्स नंबर पे है कीज फॉर सेटिंग द प्रोग्राम ओवरराइड। तो जो भी प्रोग्राम हमने बनाया है वो प्रोग्राम का स्पीड हम कम या ज्यादा प्रोग्राम ओवरराइड किस से कर सकते हैं। सात नंबर पे है जॉक ओवरराइड कीज। तो ये कीज हम रोबोट जॉक करते वक्त रोबोट का स्पीड कम या ज्यादा करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। आठ नंबर पे है मेन मेन्यू की, जिससे कि हम मेन मेन्यू ओपन कर सकते हैं। नौ नंबर पे स्टेटस कीज फॉर सेटिंग पैरामीटर्स इन टेक्नोलॉजी पैकेजेस। तो हमने कौन सा टेक्नोलॉजी पैकेज इंस्टॉल किया है उसके ऊपर इस कीज का फंक्शन डिपेंड होता है। 10 नंबर पे स्टार्ट की, इसे हम रन की भी बोलते हैं, जिससे हम प्रोग्राम रन कर सकते या तो प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते। 11 नंबर पे स्टार्ट बैकवर्ड की, प्रोग्राम रिवर्स ऑर्डर में रन करने के लिए हम ये स्टार्ट बैकवर्ड की यूज कर सकते हैं। 12 नंबर पे स्टॉप की, जिससे कि हम जो भी रनिंग प्रोग्राम है उसे स्टॉप कर सकते हैं। 13 नंबर पे कीबोर्ड की, इसे हम एडिट की भी बोलते हैं, जिससे कि हम कीबोर्ड डिस्प्ले ऊपर ला सकते हैं जब हमें कोई कमेंट करना है या तो फिर कोई लूप के अंदर कोई कंडीशन टाइप करना है, कुछ नंबर्स टाइप करने हैं, तब हमें वर्चुअल कीबोर्ड लगता है। ये कीबोर्ड की से हम वर्चुअल कीबोर्ड स्क्रीन के ऊपर ला सकते हैं। ये कुका स्मार्ट पैड टीच पेंडेंट का बैक व्यू। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, एक नंबर पे है एनेबलिंग स्विच, जिसे हम डेड मैन स्विच भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे है स्टार्ट की और रन की, ये ग्रीन कलर में दिखाई देगी। थर्ड नंबर पे फिर से हमें दिखता है एनेबलिंग स्विच। फोर्थ नंबर पे यूएसबी कनेक्शन, जो कि यूएसबी पोर्ट है, इससे हम यूएसबी कनेक्शन करके डाटा रिस्टोर या तो फिर बैकअप ले सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे एनेबलिंग स्विच। सिक्स नंबर पे आइडेंटिफिकेशन प्लेट। तो आइडेंटिफिकेशन प्लेट के ऊपर रोबोट का मॉडल का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 5, ये तीनों एनेबलिंग स्विच है, जिसे हम डेड मैन स्विच कहते हैं। जैसे कि हमने देखा, तीन एनेबलिंग स्विच है। एनेबलिंग स्विच के तीन पोजीशन है। फर्स्ट वन है नॉट प्रेस, सेकंड वन है सेंटर पोजीशन, थर्ड वन है पैनिक पोजीशन। तो जब हमने रोबोट के एनेबलिंग स्विच प्रेस नहीं किया है तब रोबोट हम जॉग नहीं कर सकते। अगर हमने
पैनिक पोजीशन थर्ड पोजीशन, बहुत जोर से अगर एनेबलिंग स्विच प्रेस किया है फिर भी हम रोबोट को जॉग नहीं कर सकते। तो रोबोट को टेस्ट मोड में या तो फिर जब हम प्रोग्राम बना रहे तब चलाने के लिए हमें एनेबलिंग स्विचे सेंटर पोजीशन में रखना जरूरी होता है। कुका स्मार्ट HMI यूजर इंटरफेस, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक नंबर पे है स्टेटस बार, जिसके अंदर हमें ऑप्शंस मिलते हैं जो कि हमें अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन शो करते हैं। ये स्टेटस शो करने के लिए स्टेटस बार यूज किया जाता है, तो इसके फंक्शन हम आगे देखेंगे। सेकंड नंबर पे मैसेज काउंटर, तो जो भी मैसेज रोबोट कंट्रोलर से हमें डिस्प्ले के ऊपर मिलते तो उनका काउंट यहाँ पे मिलता है, जैसे कि वार्निंग मैसेजेस, सेफ्टी रिलेटेड मैसेजेस, एक्नॉलेजेबल मैसेजेस, तो इनके काउंट हमें मैसेज काउंटर में दिखाई देंगे। थर्ड नंबर पे मैसेज विंडो, यहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट जो भी लास्ट मैसेज रहेगा वो दिखाई देगा। अगर हम इसे टच करते तो हमें जो भी जितने भी टाइप के एक्टिव मैसेजेस है वो सभी दिखाई देंगे। अगर हमें उसे एक्नॉलेज करना है तो हम ओके कर सकते, अगर हमें एक साथ सभी मैसेज को एक्नॉलेज करना है तो हम कंफर्म ऑल कर सकते। फोर्थ नंबर पे स्पेस माउस स्टेटस इंडिकेटर, यहाँ पे हमें करंट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो जॉगिंग के लिए यूज करने वाले वो दिखाई देती है। इसे हम अगर टच करते तो हमें वर्ड, एक्सिस स्पेसिफिक, टूल, बेस ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाई देते जो कि हम सिलेक्ट कर सकते। फिफ्थ नंबर पे स्पेस माउस अलाइनमेंट इंडिकेटर, तो यहाँ पे स्पेस माउस का जो अलाइनमेंट है वो हमें शो होता है। सिक्स नंबर पे जॉग कीज स्टेटस इंडिकेटर, इसके अंदर हम करंट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो भी यूज कर रहे हमें दिखाई देता है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम जो भी हम यूज कर सकते जैसे कि एक्सिस स्पेसिफिक, वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, टूल, बेस, तो इनमें से हम एक सिलेक्ट कर सकते। सेवन नंबर पे जॉब कीज लेबल, तो यहाँ पे हम देख सकते अगर एक्सेस स्पेसिफिक है तो आपको ऑप्शन मिलते हैं A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6, जो कि सिक्स एक्सिस रोबोट के लिए हर एक एक्सिस डिनोट करते हैं। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं तो उस केस में हमें XYZ ABC ऐसे ऑप्शन दिखाई देंगे। ये लेबल्स हमें जॉब कीज के साथ दिखाई देंगे जो कि हमें प्लस और माइनस कीज रहते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन में हम ये कीज से हम रोबोट को जॉब कर सकते हैं। आठ नंबर पे है प्रोग्राम ओवरराइड, तो जो भी प्रोग्राम हमने बनाया है वो रन करते वक्त उसका स्पीड कितना होना चाहिए ये हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नाइन नंबर पे जॉग ओवरराइड, तो रोबोट को जॉग करते वक्त उसका स्पीड कितना होना चाहिए वो कम या ज्यादा हम जॉग ओवरराइड किस से कर सकते हैं। 10 नंबर पे बटन बार, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के टैब दिखाई देते हैं जैसे कि न्यू, सिलेक्ट, एडिट, तो ये डायनेमिकली चेंज होंगे जैसे जैसे हम फंक्शन यूज करेंगे उस हिसाब से हमें अलग अलग टैब्स यहाँ पे दिखाई देंगे। 11 नंबर पे है वर्क विजुअल आइकॉन, हम अगर इस सिंबल को टच करते तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विंडो ओपन होता है। 12 नंबर पे है क्लॉक, जहाँ पे हमें टाइम और डेट दिखाई देता है। 13 नंबर पे है लाइफ साइन डिस्प्ले, तो यहाँ पे हमें ग्रीन कलर का लाइट अल्टरनेटिवली लेफ्ट और राइट साइड में ब्लिंक होते दिखाई देगा, तो इसका मतलब है स्मार्ट HMI एक्टिव है। तो अब हम देखेंगे स्टेटस बार। फर्स्ट नंबर पे मेन मेन्यू की, इसे क्लिक करने के बाद आपको मेन मेन्यू ओपन होते दिखाई देगा। सेकंड नंबर पे रोबोट नेम, तो जो भी रोबोट आप यूज कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे दिखाई देगा। थर्ड नंबर पे प्रोग्राम नेम, तो जो भी प्रोग्राम रन हो रहा है या तो फिर ओपन है उसका नाम यहाँ पे दिखाई देगा। फोर्थ नंबर पे सबमिट इंटरप्रेटर स्टेटस इंडिकेटर, ये हम आगे देखेंगे। फिफ्थ नंबर पे ड्राइव स्टेटस इंडिकेटर,
सिक्स नंबर पे रोबोट इंटरप्रेटर स्टेटस इंडिकेटर, सेवन नंबर पे करंट ऑपरेटिंग मोड, एट नंबर पे प्रोग्राम ओवरराइड एंड द करंट जॉग ओवरराइड, नाइन नंबर पे प्रोग्राम रन मोड स्टेटस इंडिकेटर, टेन नंबर पे टूल एंड बेस स्टेटस इंडिकेटर, एलेवन नंबर पे है इंक्रीमेंटल जॉगिंग स्टेटस इंडिकेटर। तो अब हम ये वन बाय वन देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे सबमिट इंटरप्रेटर स्टेटस इंडिकेटर से। रोबोट कंट्रोलर पैरेलली दो टाइप के टास्क परफॉर्म करता है, तो जो भी मोशन रिलेटेड प्रोग्राम्स रहेंगे वो रोबोट इंटरप्रेटर के अंदर रन होंगे, और जो भी सब प्रोग्राम रहेंगे वो सबमिट इंटरप्रेटर के अंदर रन होते। ऑपरेटर कंट्रोल और मॉनिटरिंग टास्क ये सब प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म होते। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटरिंग ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ कूलिंग सर्किट। तो इसका मतलब है कि ये जो छोटे टास्क होते हैं तो उनके लिए हमें पीएलसी यूज करना जरूरी नहीं है। तो ये छोटे मोटे टास्क हम विदाउट पीएलसी भी जो रोबोट का कंट्रोल है उससे परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर रेड कलर में सिंबल है इसका मतलब है द सबमिट इंटरप्रेटर हैज बीन स्टॉप, सबमिट इंटरप्रेटर स्टॉप है। सिंबल ग्रे कलर में इसका मतलब सबमिट इंटरप्रेटर डिसलेक्टेड है। सिंबल ये येलो कलर में इसका मतलब है कि सबमिट इंटरप्रेटर ये सिलेक्टेड है और जो ब्लॉक पॉइंटर है वो फर्स्ट लाइन पे है सब प्रोग्राम के। सिंबल ये ग्रीन कलर में इसका मतलब है सब प्रोग्राम ये सिलेक्टेड है और रनिंग कंडीशन में है। ड्राइव स्टेटस इंडिकेटर, तो ड्राइव स्टेटस इंडिकेटर के अंदर आपको आई एंड ओ ये टाइप के सिंबल दिखाई देंगे। तो आई का मतलब होता है ड्राइव्स आर ऑन, मतलब ड्राइव्स ऑन है। ओ का मतलब होता है ड्राइव्स आर ऑफ, मतलब ड्राइव्स ये ऑफ है। सिंबल का कलर ग्रीन है इसका मतलब एनेबलिंग स्विच ये प्रेस है और ये सेंटर पोजिशन में प्रेस है, या तो फिर उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं। जैसे कि अगर समझो T1 T2 मोड है तो उसके अंदर हमें एनेबलिंग स्विच लगता है, और अगर ऑटो और ऑटो एक्शनल है तो उसके अंदर एनेबलिंग स्विच की जरूरत नहीं होती। उसी के साथ कोई भी एक्टिव मैसेजेस रोबोट के मोशन प्रिवेंट नहीं कर रहे तो उस केस में हमें ग्रीन कलर दिखाई देगा। अगर ग्रे कलर है इसका मतलब है एनेबलिंग स्विच एक तो प्रेस नहीं है या तो फिर फुल्ली प्रेस है। उसी के साथ हमें एक्टिव मैसेजेस दिखाई देंगे जो कि रोबोट के मोशन को प्रिवेंट करेंगे, जैसे कि सेफ्टी रिलेटेड मैसेज और वार्निंग मैसेजेस। ड्राइव स्टेटस इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें मोशन कंडीशन विंडो दिखाई देती है। तो इसके अंदर एक नंबर पे आपको दिखाई देगा आई एंड ओ सिंबल है। तो अगर हम आई को टच करते इसका मतलब हम ड्राइव्स को ऑन कर रहे, अगर हम ओ को टच करते इसका मतलब हम ड्राइव्स को ऑफ कर रहे। सेकंड नंबर पे ड्राइव्स एनेबल्ड फ्रॉम सेफ्टी ये कलर ग्रीन है, इसका मतलब सेफ्टी कंट्रोलर से हमें एनेबल सिग्नल मिल चुका है। अगर इसका कलर ग्रे है इसका मतलब सेफ्टी स्टॉप 0 और सेफ्टी स्टॉप 1 ये सेफ्टी कंट्रोलर ने ट्रिगर किया है। थर्ड नंबर पे ऑपरेटर सेफ्टी सिग्नल, अगर समझो रोबोट ये T1 और T2 मोड में, तब हमें रोबोट को जॉग करने के लिए या तो फिर टेस्ट रन करने के लिए एनेबल स्विच प्रेस करना जरूरी है जो कि सेंटर पोजीशन में होना चाहिए। अगर वो सेंटर पोजीशन में तो हमें यहाँ पे ग्रीन कलर दिखाई देगा। एनेबल स्विच प्रेस नहीं है या तो फिर फुल्ली प्रेस है तो हमें ग्रे कलर दिखाई देगा। दूसरे केस में जब रोबोट ये ऑटो और ऑटो एक्सटर्नल मोड पे रहेगा तब फिजिकल सेफ गार्ड ये क्लोज अगर रहे तो हमें ग्रीन कलर दिखाई देगा, अगर सेफ गार्ड ओपन है तो हमें ग्रे कलर दिखाई देगा। फोर्थ नंबर पे मोशन एनेबल फ्रॉम सेफ्टी, सेफ्टी कंट्रोलर से हमें एनेबल मोशन एनेबल सिग्नल रिसीव होने के बाद यहाँ पे ग्रीन कलर दिखाई देता है। अगर समझो सेफ्टी कंट्रोलर ने सेफ्टी स्टॉप 1 और सेफ्टी स्टॉप 2 ट्रिगर किया है तो हमें यहाँ पे ग्रे कलर दिखाई देता है।
फिफ्थ नंबर पे एनेबलिंग स्विच, एनेबलिंग स्विच इस सेंटर पोजीशन में है तो हमें यहाँ पे ग्रीन कलर दिखाई देता है। अगर एनेबलिंग स्विच ये नॉट प्रेस पोजीशन में या तो फिर पैनिक पोजीशन में होगा तो हमें यहाँ पे ग्रे कलर दिखाई देता है, या तो फिर इसकी जरूरत नहीं होगी, जैसे कि रोबोट अगर ऑटो और ऑटो एक्सटर्नल में है तो एनेबलिंग स्विच की जरूरत नहीं होती, तब ये ग्रे कलर में दिखाई देगा। रोबोट इंटरप्रेटर स्टेटस इंडिकेटर सिंबल के ऊपर टच करने के बाद या तो हम प्रोग्राम रिसेट कर सकते या तो कैंसिल कर सकते। आइकॉन का कलर ग्रे है, इसका मतलब प्रोग्राम सिलेक्टेड नहीं है। आइकॉन का कलर येलो है, इसका मतलब ब्लॉक पॉइंटर प्रोग्राम के फर्स्ट लाइन पे सिचुएटेड है। आइकॉन का कलर ग्रीन है, इसका मतलब प्रोग्राम सिलेक्टेड है और एग्जीक्यूट हो रहा है। आइकॉन का कलर रेड है, इसका मतलब प्रोग्राम सिलेक्टेड है और वो स्टॉप हो चुका है। आइकॉन का कलर ब्लैक है, इसका मतलब ब्लॉक पॉइंटर प्रोग्राम के एंड में सिचुएटेड है। करंट ऑपरेटिंग मोड, तो की स्विच प्रेस करने के बाद हम ऑपरेटिंग मोड ये चेंज कर सकते हैं। कुका रोबोट के अंदर हमें ये चार ऑपरेटिंग मोड दिखाई देते हैं, जो कि है T1, T2, ऑटो और ऑटो एक्सटर्नल। तो T1 मोड हम यूज करते हैं रोबोट को जॉग करने के लिए, प्रोग्राम टेस्ट करने के लिए एट रिड्यूस स्पीड। तो T1 मोड के अंदर प्रोग्राम वेलोसिटी ये मैक्सिमम 250 mm पर सेकंड हो सकती है, और जॉग मोड के अंदर जॉग वेलोसिटी है 250 mm पर सेकंड हो सकती है। सेकंड मोड है T2, यह हम प्रोग्राम टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, और प्रोग्राम वेलोसिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे, जॉग वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है इस केस में। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हमने समझो रोबोट को प्रोग्राम करते वक्त वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड रखिए, तो जब हम T2 मोड के ऊपर रोबोट को चलाएंगे तब रोबोट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही रहेंगी। उसी केस में अगर हम T1 मोड के ऊपर रोबोट को चलाते तो मैक्सिमम वेलोसिटी 250 mm पर सेकंड रहती है। थर्ड है ऑटो मोड, इसके अंदर हम हायर लेवल कंट्रोलर के अलावा प्रोग्राम रन करते हैं, जैसे कि PLC ना होते हुए भी हम जो भी प्रोग्राम बनाए वो रन कर सकते हैं। इस मोड के अंदर रोबोट की वेलोसिटी या प्रोग्राम वेलोसिटी रहेगी और जॉग वेलोसिटी इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है ऑटो एक्सटर्नल, ये मोड के अंदर हम हायर लेवल कंट्रोलर्स लाइक PLC यूज करते हैं, तो इसके अंदर रोबोट ये प्रोग्राम वेलोसिटी से रन होगा और जॉग मोड इसमें पॉसिबल नहीं है। प्रोग्राम ओवरराइड एंड जॉग ओवरराइड, जब रोबोट प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तब उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो हम यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। जॉग ओवरराइड, जब हम रोबोट को जॉग कर रहे मैन्युअली मूव कर रहे तब रोबोट की स्पीड कितनी होनी चाहिए वो यहाँ से हम कम या ज्यादा कर सकते, तो ये परसेंटेज में हम वेरी कर सकते 0% to 100%। प्रोग्राम रन मोड स्टेटस इंडिकेटर, कुका रोबोट के अंदर तीन प्रोग्राम मोड दिए गए, गो मोड, मोशन मोड, सिंगल स्टेप मोड। तो गो मोड के अंदर रोबोट फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक विदाउट स्टॉपिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। सेकंड मोड मोशन मोड, मोशन मोड के अंदर रोबोट हर एक पॉइंट के ऊपर रुकेगा, वो पॉइंट्स ऑक्सिलरी पॉइंट्स हो सकते, स्प्लाइन सेगमेंट पॉइंट्स हो सकते, और हर बार स्टार्ट की को छोड़ के आपको फिर से प्रेस करना होता है। सिंगल स्टेप मोड, सिंगल स्टेप मोड के अंदर रोबोट हर एक लाइन पे रुकता है, वो लाइन ब्लैंक भी रहे फिर भी रोबोट वहां पे रुकेगा, तो इस केस में भी आपको स्टार्ट की छोड़ के फिर से प्रेस करना होता है जिसके रोबोट लास्ट लाइन से अगले लाइन पे जा सके। ये मोड आप सिर्फ एक्सपर्ट ग्रुप के अंदर ही यूज कर सकते हैं।
टूल एंड बेस स्टेटस इंडिकेटर। तो इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे आपको दिखाई देगा टूल सिलेक्शन। टूल सिलेक्शन के अंदर आपको जो भी आप टूल यूज कर रहे हैं वो वहां पे डिस्प्ले होगा। सेकंड नंबर पे बेस सिलेक्शन, जो भी आप बेस यूज कर रहे हो वो वहां पे डिस्प्ले होगा। थर्ड नंबर पे है आपका इंटरपोलेशन मोड। तो समझो आपका जो टूल है वो फ्लेंज के ऊपर माउंटेड है, तो आप फ्लेंज के ऊपर क्लिक करोगे। अगर आपका टूल ये एक्सटर्नल है और फिक्स है तो आप एक्सटर्नल टूल के ऊपर क्लिक करोगे। इंक्रीमेंटल जॉगिंग स्टेटस इंडिकेटर, जब हमें रोबोट को स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर मूव करना होता है तब हम इंक्रीमेंटल जॉगिंग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हमें रोबोट 10 mm से मूव करना है या तो फिर 3 डिग्री से मूव करना है तो हम इंक्रीमेंटल जॉगिंग यूज करते हैं। उसके बाद वो पर्टिकुलर डिस्टेंस मूव होने के बाद रोबोट खुद से स्टॉप होता है। इंक्रीमेंटल जॉगिंग के टाइम पे हम जॉग कीज यूज करते हैं। इस केस में हम स्पेस माउस यूज नहीं कर सकते। इंक्रीमेंटल जॉगिंग एप्लीकेशन एरियाज, तो फर्स्ट वन जहाँ पे हमें इक्विडिस्टेंस पॉइंट टीच करने होते वहाँ पे हम इंक्रीमेंटल जॉगिंग यूज करते हैं। सेकेंड जहाँ पे हम डेफिनेट डिस्टेंस के ऊपर कुछ पर्टिकुलर पोजीशन में मूव करना है तब हम इंक्रीमेंटल जॉगिंग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ फॉल्ट है तो वहाँ पे हमें टूल को रिट्रैक्ट करने के लिए इंक्रीमेंटल जॉगिंग यूज करेंगे। थर्ड जब हम डायल गेज से मास्टरिंग करते तब हम इंक्रीमेंटल जॉगिंग यूज करते हैं। तो आप टेबल में देख सकते हो अगर कंटिन्यूस है मोड तो उसके अंदर इंक्रीमेंटल जॉगिंग ये डीएक्टिवेटेड रहेगी। समझो आपने 100 mm स्लैश 10 डिग्री सिलेक्ट किया है तो एक इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 100 mm या तो फिर 10 डिग्री रहेगा। इसका मतलब जब आप जॉग कीज एक बार दबाओगे तब रोबोट ये 100 mm या तो फिर 10 डिग्री से आगे जाएगा। समझो 10 mm स्लैश 3 डिग्री ये सेटिंग है तो उस केस में अगर आप जॉग की एक बार दबाओगे तो वो 10 mm या तो फिर 3 डिग्री से आगे या पीछे जाएगा। तो इसी हिसाब से आपको ये मोड्स मिलते हैं। डिफाइनिंग द अलाइनमेंट ऑफ द स्पेस माउस, तो स्पेस माउस के जो फंक्शन रहेंगे वो अडेप्ट करेंगे एज पर द लोकेशन ऑफ यूजर। तो इस केस में TCP की जो डायरेक्शन रहेगी वो करस्पॉन्ड करेंगे स्पेस माउस के डिफ्लेक्शन। यूजर का लोकेशन ये डिग्रीज में स्पेसिफाई किया जाता है। तो डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर जहाँ पे 0 डिग्री है यूजर ये रोबोट के सामने खड़ा है। जब हम ऑटोमेटिक एक्सटर्नल मोड पे रोबोट को स्विच करते तब ये पोजिशन रिसेट होके फिर से स्पेस माउस 0 डिग्री पे सेट होता है। कॉन्फिगरिंग द स्पेस माउस, तो स्पेस माउस सेटिंग के अंदर हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट है 6D, सेकंड है XYZ, थर्ड है ABC। तो 6D के अंदर आप देख सकते हैं दो टाइप के मोशन पॉसिबल है, ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटरी मोशन। पुश या पुल करने के बाद हमें XYZ एक्सिस के अंदर ट्रांसलेटरी मोशन मिलते हैं और जब हम रोटेट या तो फिर टिल्ट करते तब हमें XYZ के अलोंग रोटेशन मिलता है जो कि क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज होता है। तो 6D के अंदर हमें ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटरी मोशंस मिलते हैं। सेकंड है XYZ मोड, तो XYZ मोड के अंदर हमें पुश या पुल करने के बाद ट्रांसलेटरी मोशन ही पॉसिबल है XYZ एक्सिस के अंदर, यहाँ पे रोटरी मोशन पॉसिबल नहीं है। थर्ड है ABC, तो ABC मोड के अंदर स्पेस माउस रोटेट या टिल करने के बाद हमें रोटरी मोशन मिलते हैं XY और Z एक्सिस के अलावा, यहाँ पे हमें ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमने कुका का स्मार्ट पैड टीच पेंडेंट है उसके फंक्शन देखे। ये थ्योरेटिकल पार्ट था, अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो यहाँ पे हम अभी देखेंगे टीच पेंडेंट के बारे में। तो ये कुका रोबोट का टीच पेंडेंट है ये मॉडल के लिए, जो कि है KRC R900 के लिए ये टीच पेंडेंट दिए गए। तो यहाँ पे देखोगे आप, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखता है ये इमरजेंसी,
इमरजेंसी स्टॉप, उसके बाद ये सिलेक्टर किए, तो वहां पे इसके अंदर बहुत सारे मोड है, T1, T2, ऑटो, ऑटो एक्सटर्नल। तो ये मोड सिलेक्ट करने के लिए हम ये की यूज करते हैं, वो हम देखने वाले हैं कि कौन सा मोड कहाँ पे यूज करना है, ठीक है, वो अगले वीडियो में देखेंगे। ये आपका डिस्कनेक्ट की, ओके, तो ये की कब यूज करते हैं, ये की अगर प्रेस किए तो उसके एक 25 सेकंड के बाद ये जो टीथ पेंडेंट है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा रोबोट से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये प्लस और माइनस दिख रहा होगा आपको, ठीक। तो जब हम जॉगिंग करेंगे मैन्युअली, रोबोट को मूव करेंगे एक्सिस में या तो फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो प्लस और माइनस साइड में मूव करने के लिए हम ये यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये लास्ट के दो की जो दिख रहे प्लस माइनस वाले, तो ये के प्रोग्राम स्पीड, तो प्रोग्राम जो भी रन करने वाले उसका स्पीड है वो कम ज्यादा करने के लिए हम ये की यूज करेंगे। और ये है जॉगिंग स्पीड, तो मैन्युअली जॉग करते वक्त उसे 100% से चलाना है या रिड्यूस स्पीड पे चलाना है, तो ये सिलेक्ट यहां से पता चलेगा हमें। उसके बाद ये है मेन्यू की, ये मेन्यू की जाने के बाद यहाँ पे हमें होम स्क्रीन नजर आएंगी, तो उसके अंदर फाइल, कॉन्फ़िगरेशन, डिस्प्ले, डायग्नोसिस, स्टार्टअप, देन शटडाउन एंड हेल्प, तो ये मेन्यू आते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप तो ये है एडिट की, तो हमें कुछ प्रोग्राम बनाना है, समझो इफ लूप डालना है, फॉर लूप डालना है, तो कुछ टाइप करना है, कमेंट करना है, तो टाइप करने के लिए हम ये की यूज करेंगे। यहाँ पे है ये स्टॉप, तो कोई भी प्रोग्राम अगर रन हो रहा है और उसे स्टॉप करना है तो ये की यूज करेंगे। प्रोग्राम फॉरवर्ड मूव करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप अगर मूव कर रहे हैं हम प्रोग्राम, तो फॉरवर्ड करने के लिए ये बटन दबाएंगे हम। उसको रिवर्स ऑर्डर में रन करने के लिए ये की दबाएंगे। ये यूजर डिफाइंड कीज है, यूजर डिफाइंड, तो जिससे कि हम एक तो वेल्ड गन कंट्रोल कर सकते, पिक एंड प्लेस का जो ग्रिपर रहेगा वो कंट्रोल कर सकते, जो भी आपका एंड इफेक्टर है तो वो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते, ठीक है। तो ये हो गए फ्रंट साइड। उसके बाद यहाँ पे सिक्स डी माउस, तो जो जॉब कर रहे हैं वो इससे भी हम जॉब कर सकते हैं। पिछले साइड में देख सकते हैं आप, ये दो व्हाइट कलर के बटन दिए, तो ये है हमारे डेड मैन स्विच। तो जो मैनुअल मोड में जब हम चलाते तो उसके ड्राइव एक्टिवेट करने के लिए ये डेड मैन स्विच दिए गए, तो ये स्विच अगर हम दबाएंगे तभी वो ड्राइव ऑन होगा, ठीक है। उसके बाद ये व्हाइट कलर का बटन दिया है, वो भी डेड मैन स्विच है, और ये प्रोग्राम रन करने के लिए ग्रीन की दी, जो कि इसी के तरह काम करते, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो जब मैं ये डेड मैन स्विच दबाता हूं, हाँ व्हाइट कलर का बटन जब मैं दबाता हूं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखोगे आप जो A1, A2, A3, A4, A5, A6, तो ये एक्सिस है, जो एक्सिस है वो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, मतलब क्या वो एक्टिवेट है, और वो एक्टिवेट होने के बाद ही हम रोबोट को जॉब कर सकते, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे, अभी देखो यहाँ पे अगर गए हम तो प्रोग्राम ओवरराइड एंड जॉग ओवरराइड दिए गए, तो प्रोग्राम ओवरराइड मतलब ये अगर मैं कम करता हूं, ये देखो ये की से अगर कम करता हूं, हाँ यहाँ पे देखो अभी ये की से मैं बढ़ा सकता हूँ प्रोग्राम ओवरराइड और कम कर सकता हूँ, मतलब प्रोग्राम जो रन होने वाला है उसका स्पीड, और ये नीचे वाला है जॉग ओवरराइड, तो जब मैं मैन्युअली रोबोट को मूव कर रहा हूं तो उसका स्पीड कितना रहना चाहिए, हाँ तो वो यहाँ पे नहीं लेंगे। उसके बाद यहाँ पे है गो मोशन सिंगल स्टेप, तो गो क्या रहेगा, अगर मैंने समझो प्रोग्राम बना दिया और वो प्रोग्राम एक बार अगर उसे रन, ये रन बटन दबाए तो वो एक ही पास में पूरा प्रोग्राम परफॉर्म करेगा, ओके। अगर दूसरा मोड है मोशन, तो मोशन में क्या होने वाला है, तो मोशन में लाइन बाय लाइन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और हर लाइन के बाद वो रोबोट रुक जाएगा, तो हर बार आपको डेड मैन स्विच दबा के ये जो रन बटन है वो दबाना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है टूल सिलेक्शन, टूल सिलेक्शन एंड बेस सिलेक्शन, तो हम आगे देखेंगे कि टूल क्या होता है, बेस क्या होता है, ठीक है। आपका ये अगर समझो ये की है सिलेक्टर स्विच, तो ये अगर हमने की रोटेट की तो यहाँ पे आपको मोड्स मिलेंगे T1, T2, ऑटो और ऑटो एक्सटर्नल। तो T1 क्या रहता है,
कि T1 मोड में हम रिड्यूस स्पीड पे रोबोट को चला सकते, ठीक है, तो इसे जॉग कर सकते, टीच कर सकते, बराबर। T2 मोड कौन सा रहेगा, तो T2 मोड में हम उसे टेस्ट कर सकते, जो भी प्रोग्राम बनाया गया है तो उसे टेस्ट करेंगे, मगर वो फुल स्पीड के ऊपर चलेगा, ओके। ऑटो क्या रहेगा, जो भी प्रोग्राम है डेड मैन स्विच दबाने की जरूरत नहीं, ठीक है, तो वो ऑटो मोड में विदाउट एनी इंटरफेरेंस वो एग्जीक्यूट करेगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। ऑटो एक्सटर्नल में क्या रहेगा, तो ये जो भी इनपुट आउटपुट दिए गए इसमें से अगर इनपुट मिलता है रोबोट को, तो वो सिलेक्टेड जो प्रोग्राम रहेगा, सेल बोल के एक प्रोग्राम रहता है, वो सेल को वो एक्टिवेट करेगा और वो प्रोग्राम वहां से रिकॉल करके रन करेंगे, ठीक है। तो ये टीच पेंडेंट का इंट्रोडक्शन।